भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम कॉलेज पर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी टाइम हुआ है सुबह के 6:30 और आज मैं अपना ब्लॉग इतने दिन बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी इतनी सुबह सुबह, क्योंकि आज है कुछ स्पेशल। अब क्या है ऐसा स्पेशल? क्योंकि आज है मेरे कॉलेज का ओरिएंटेशन डे। ओरिएंटेशन डे मतलब, इसको नहीं पता, आप फर्स्ट डे मान लो कॉलेज का है फर्स्ट डे। तो मैं अपने कॉलेज जाऊंगा आज दिल्ली, जो कि है, और अभी मैं बिल्कुल नहा धोकर एकदम रेडी हो गया हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ और उसके बाद हम लोग निकलते हैं। सो लेट्स गो। तो गाइज, मेरा नाश्ता भी आ चुका है, जो कि है ये पराठा, अचार और ये हेल्दी हेल्दी चकुंदर। बस मिल चुकी है, अब सीधा यहाँ से नोएडा पहुंचूंगा। तो फिलहाल भाई बस से तो उतर गया हूँ, और यार मुझे तो बस में नींद आ रही थी, लेकिन हाँ सोया नहीं मैं। खैर छोड़ो, आप नोएडा पहुंच गए, अब यहाँ से सीधी मेट्रो लेता हूँ और पहुंचता हूँ दिल्ली कॉलेज के लिए। तो मैं फाइनली दिल्ली तो पहुंच चुका हूं, बस यहां से मेट्रो स्टेशन से उतर के अब मुझे यहां से एक रिक्शा लेना होगा सीधा कॉलेज के लिए, और फिर वहां निकलते हैं सीधा। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम कॉलेज पर। तो फाइनली गाइस, मैं कॉलेज में पहुंच चुका हूं, और पहुंचते ही मुझे कुछ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स मिले थे कॉलेज में, जिन्होंने अपना कोई ग्रुप बनाया हुआ था अलग से, बट उन्होंने मुझे एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ, और मेरा जो भी कोर्स था बीएससी मैथमेटिक्स का, उसका सिलेबस भी मुझे उन्होंने इशू कर दिया, और मतलब अब पता लग गया है सब कुछ। अब एक बार मैं कॉलेज देख लूँ, क्लासेस और बिल्डिंग्स देख लूँ किस साइड हैं, उसके बाद अपनी क्लास लूँगा। ओके, तो मुझे जो अपनी बिल्डिंग है साइंस डिपार्टमेंट की, वो मुझे भैया ने बता दी है कि कहाँ पे है, जो मेरे जो सामने है, वो सामने वाली पूरा साइंस डिपार्टमेंट बिल्डिंग है। एंड यार एक चीज़, इस कॉलेज में ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ब्यूटीफुल कॉलेज है। देखो, अब मैं इसमें अपने थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स भी डाल दूंगा, जो कि आप लोग देखना, मज़ा आएगा बहुत। तो अभी मैं पहले एडमिनिस्ट्रेशन में अपना एडमिशन के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, और उसके बाद मैं देखूंगा क्लास में जाऊंगा कैसा लगता है सब। दीवाल एरिया देखो गाइस, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और मेरे जस्ट सामने कितना बड़ा फ्लैग लगा हुआ है। ये आपको वीडियो में नहीं लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये इस कॉलेज की न्यू ब्लॉक बिल्डिंग, जो कि अभी बनी है। वैसे ये कॉलेज काफ़ी पुराना है, और जस्ट इसी के सामने ये कॉलेज की लाइब्रेरी है, जिसमें कि अभी शायद कोई नहीं है। एंड जस्ट इस लाइब्रेरी के साइड में ही पूरा ये वापस से पूरा गार्डन एरिया आ गया है।
वाली पूरी बिल्डिंग तो पीछे में आपने देख रहे हो पूरी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की थी, जिसमें उसकी लैबोरेटरी वगैरह थी। मैथ्स की तो मुझे इस फ्लोर पर मिली नहीं, बट ऊपर जाके देखता हूँ मैं। फर्स्ट फ्लोर पे शायद मैथमेटिक्स की बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर पर है। कॉलेज का तो फ्लोर बिल्कुल एकदम जिगजैग वाला, जैसे हॉस्पिटल्स में होता है उस तरीके से स्लाइडिंग वाला है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स मुझे दिखाया है वहाँ पे। ये वाला पूरा फ्लोर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का है शायद, वो देखो सामने। ओके गाइज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस तो अभी क्लोज था, बट उन्होंने मुझे मेरा टाइम टेबल इशू करवा दिया, जो कि मेरी फर्स्ट क्लास जो कि 10:30 बजे से है, और अभी टाइम हो रहा है 10:25 न्यू ब्लॉक के N9 रूम नंबर में। चेक ये करना है कि N9 आखिर होगा किधर। N9 मिल गया, N9। यही होने वाली है अपनी पहली क्लास। तो अभी तो टाइम बस होने ही जाना है, 10:30 बजने ही वाले हैं। उसके बाद जो भी प्रोफेसर आएंगे क्लास लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। सो गाइस, मेरी अभी क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं एंड अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1:30। दो क्लासेस थी आज 10:30 से 11:30 एंड देन कंटिन्यू 11:30 से 12:30। उसके बाद लंच ब्रेक हुआ है 1 घंटे का। अब आधे बच्चे तो अभी लंच ब्रेक के बाद ही शायद निकल गए क्लास से, मतलब घर चले गए सीधे, या तो उनका छुट्टी हो गई है प्रॉपर या पता नहीं क्या है। जो भी है, फिलहाल मैंने लंच भी कर लिया और मैं देखता हूँ अभी रुकूंगा वैसे नेक्स्ट क्लास के लिए, देन उसके बाद फिर मैं निकलूँगा घर सीधा। यार एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है ना, मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है, 15% बैटरी बची है, उससे भी कम। लेकिन चार्जर तो मैं साथ में लाया हूँ खैर, बट इसका कोई सॉकेट ही नहीं मिल रहा। आप किसी क्लास में जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी अगर उसमें हुआ तो वहाँ पर ही चार्ज करूँगा जाके, नहीं तो फिर देखता हूँ किसी और क्लास में करना पड़ेगा बैठ के। लेकिन चार्ज नहीं किया तो फिर आगे का व्लॉग कैसे बना पाऊंगा, तो चार्ज करना तो ज़रूरी है। सो भाई, मेरी जो क्लासेस थी जो कि 2:30 बजे से थी, वो कैंसिल हो गई है पता नहीं क्यों। मेरा तो फर्स्ट डे है, वो रिवीजन क्लास थी जो कि पहले से बच्चे काफ़ी यहाँ पे आ रहे हैं 16 तारीख से, वो उनके लिए थी क्लास, तो मैं तो वो अटेंड करूँगा नहीं। तो मेरी क्लास तो हो चुकी हैं पूरी, तो मुझे तो अब निकलना होगा घर यहाँ से सीधा। एंड एक और चीज़ गाइस, आप मौसम देखो अभी कितना सही हो गया है, मतलब बारिश का मौसम हो गया है। पहले धूप निकल रही थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यार ये कॉलेज बिल्कुल खाली खाली हो गया, पता नहीं सारे बच्चे, जो बच्चे जिनकी क्लासेस थी वो अपनी क्लासेस अटेंड करने चले गए, जो पुराने बच्चे आ रहे हुए थे बाकी सब तो चले गए हैं, और वो उसका लंच पीरियड के बाद ही चले गए थे। मैं तो यहाँ पर रुका हुआ था। मुझे यार मिल गया फाइनली सॉकेट जो कि कैंटीन में था। अब मैं कैंटीन में पहले जाके अपना फ़ोन चार्ज करूँगा, वरना तो मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा आगे। तो गाइज़ मेरा फ़ोन बिल्कुल चार्ज हो चुका है, अब तो वीडियो बना सकता हूँ। और ये देखो यहाँ पे जो देशबंधु कॉलेज है ना, ये इनके नाम का इन्होंने एस्टेब्लिश किया था शायद, ये लाला देशबंधु गुप्ता ने, जो कि 1951 डेथ हुई थी इनकी। तो ये इनका कॉलेज है और यहाँ से एंट्रेंस है कॉलेज की सीधी, एंड उसी के सामने वो पूरा वहाँ पे जो आपको दिख रहा है पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो पूरा पार्किंग एरिया है। मतलब फैकल्टी पार्किंग होगी, वैसे स्टूडेंट्स की पार्किंग तो यहाँ पे अलाउ नहीं है शायद कॉलेज के अंदर। एक बात तो है भाई, कॉलेज ब्यूटीफुल तो है, मतलब ग्रीनरी के साथ साथ फ्लावर देखो आप पूरा, मतलब जो लग रहा है, एक तो मौसम भी अच्छा है ऊपर से, हाँ अच्छा है कॉलेज, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो चलो भाई फिलहाल निकलते हैं घर के लिए, अब कल आएंगे वापस, क्योंकि आज थर्सडे है ना, कल फ्राइडे को क्लासेस रेगुलर वो होगी, परसों और देन संडे की छुट्टी है। चलो भाई फाइनली आ गए हैं बाहर कॉलेज से, और अभी मैं घर नहीं जाऊंगा सीधा सिकंदराबाद, मतलब अपनी नानी के यहाँ रुकूंगा दिल्ली में ही,
संडे तक, क्योंकि संडे तक, संडे को छुट्टी होगी यहाँ पे, अभी दो दिन क्लासेस और चलेंगी ना, तो अब मैं या तो मेट्रो से जाऊँगा या अभी मेरी मम्मी से बात हुई है, वो बता रही थी कि कोई बस भी जाती है, अगर बस मिल जाएगी तो बस से चला जाऊँगा, बट वरना फिर मेट्रो से जाना पड़ेगा। कॉलेज यहाँ पे बिल्कुल मेन मार्केट के पास है, मतलब ये जो बाउंड्री है ना पूरी यहाँ से लास्ट तक, ये पूरी कॉलेज की बाउंड्री है, और इसी के सामने देखो यहाँ पे पूरी मेन मार्केट है जो कालका जी की है दिल्ली में। तो भाई मुझे तो बस मिल गई है और मैं बस से जा रहा हूँ, बस स्टॉप पर आ गया हूँ, अब बस से ही जाऊँगा, मेट्रो से तो जा नहीं रहा, वेट करता हूँ बस का जब तक आएगी इतने। अरे यार मुझे जाना कहीं और था, अब बस टर्मिनल दूसरी साइड है, अब वहाँ से रोड क्रॉस करके इधर आया हूँ, यहाँ से बस लूँगा और उसके बाद फिर जाऊँगा। त्रिलोकपुरी 9 ब्लॉक, हाँ 15 चौक को उतार देना। तो गाइस मैं उतर गया हूँ बस से भी एंड पहुँच गया हूँ नानी के यहाँ पे, और टाइम हो गया बिल्कुल शाम के 4:30, तो काफ़ी टाइम लग गया पहुँचने में, खैर पहुँच गया अब, चलो फाइनली। सो हाँ जी, अभी शाम हो चुकी है और मैंने चेंज भी कर लिया है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा वीडियो में, मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे, एंड आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा, एंड अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना वीडियो को ज़रूर, एंड चैनल को भी करना सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।